ये कर्म कर दे। और सदाकतों की हिमायत से हम खड़ा मैं भी, यही कसूर मेरा है तो सर कलम कर दे, यही कसूर मेरा है तो सर कलम कर दे। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा उन तमाम डेलीगेट्स का, खुसूसियत के साथ तशरीफ लाए हमारे फॉर्मर साबिक तलबा यूनियन के सदर अताउल्लाह नियाज़ी साहब, हमारे उमर फारूक कादरी साहब, दानिश खान साहब और अबू हमजा साहब, अब्दुल्ला आसिम भाई, शाहिद जमाल भाई, हारिस भाई, अनम जहां और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, तमाम इसी मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमारी इस दावत पर लब्बैक कहा और यहाँ पे तशरीफ लाए। आज चूंकि बात हो रही है स्टूडेंट एक्टिविज्म की, कोई भी एक्टिविज्म, कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी कैंपस, कोई भी डायलॉग, अगर ओपिनियन में डिफरेंसेस नहीं आएंगे और डिफरेंसेस को अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो हमें यह हक नहीं कि हम एक्टिविज्म के ऊपर या किसी चीज के ऊपर बात करें। हो सकता है कि हमको किसी की बात से इख्तलाफ हो, बिल्कुल हो सकता है, तो इख्तलाफ राय पे हमको इत्तेफाक करना होगा, तो इख्तलाफ राय को आप लोग बिल्कुल महफूज रखें और अगर किसी की बात से इख्तलाफ है तो हक है आपका, लेकिन इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करें इस कैंपस में कहीं भी जो कि अदब के खिलाफ हो, पहली बात। इसके अलावा चूंकि काफी देर से ये प्रोग्राम चल रहा है और स्टूडेंट यूनियन ने ये इस बार इनिशिएटिव लिया है कि हम अपने तमाम उन कायदीन को याद करें, उनको बुलाएं जो यहाँ से उन्होंने यहाँ पर पॉलिटिक्स की, सियासत की, स्टूडेंट्स की बात की और आज वो अलग अलग मुकामात पे हैं और वो अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, तो हमें उनको सुनना चाहिए। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इससे पहले के जो लीडर्स मीट हुए हैं उसमें बाहर के लोग आते रहे हैं, हाँ कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमारा जो ये टॉपिक है वो बता रहा है कि किस तरीके के लिमिटेशंस हो सकते हैं लोगों के सामने, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि हमें अपने उन लोगों को भी याद करना चाहिए जो हमारे कैंपस में जिन लोगों ने पॉलिटिक्स की है और वो अलग अलग मुकामात पे काम कर रहे हैं या फिर अलग अलग जगहों पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हमें उनको भी याद करने की ज़रूरत है और हमने उसी कड़ी में अपने इन तमाम लीडरान को मदऊ किया है। जब बात होती है स्टूडेंट एक्टिविज्म की और जो कैंपस में जो स्पेसेज श्रिंक हो रही है उसके ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्पेसेज श्रिंक नहीं हुई है और हमें अफसोस तब होता है कि वैसे लोग जिन्होंने अपनी सियासत स्टूडेंट पॉलिटिक्स के से की है और जब वो लोग इक्तदार में आते हैं तो वो लोग स्टूडेंट्स के लिए स्पेसेस को श्रिंक करते हैं, वो लोग स्टूडेंट्स के लिए रास्ते बंद करते हैं, हमें बहुत अफसोस होता है। मैं इस यूनिवर्सिटी से, इस फोरम के जरिए से मैं उन लोगों से ये कहूंगा कि जो लोग इक्तदार में है कि आप लोग भी उसी प्लेटफॉर्म के जरिए से पॉलिटिक्स में आते हैं और आप कैंपसेस में इस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं, लेकिन हमें एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। कुछ एक्सपीरियंस मैं अपने साथ जो यहाँ पे हुए हैं गुज़िश्ता दिनों में, मैं वो भी शेयर करना चाहूंगा कि किस तरीके से स्पेसेस श्रिंक होती है। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, आप स्टूडेंट हैं, आपकी फैमिली है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर होता है, छींकने और खांसने तक पे भी अगर आप सही जगह पे नहीं छींकेंगे तो हो सकता है कि आपको सुपर आ जाए, छींकने और खांसने पे भी हो सकता है, उसका भी ख्याल करना होता है। लेकिन एक और बात मैं कहूंगा कि कई बार डिफरेंसेस जो होते हैं पॉलिटिक्स में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इलेक्शन के टाइम पे, उसको भी लोग लाते हैं नॉर्मल दिनों में। मौलाना आजाद के आइडिया के ऊपर बात हो रही थी, अताउल्लाह नियाज़ी भाई बात कर रहे थे कि उनके आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर बात होनी चाहिए और बिल्कुल हमने उसके ऊपर कोशिश की कि हम एक टॉक रखे उसके ऊपर बात करें। जब उनकी एनिवर्सरी थी और उनकी एनिवर्सरी के दिन हमने, उनकी डेथ एनिवर्सरी थी और उस दिन हमने एक प्रोग्राम रखा था, बमुश्किल हमारे उस प्रोग्राम में एक टॉक रखा था कि उनका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है और उनकी जो लेगेसी है उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि इस कैंपस के सिर्फ 8 और 10 बच्चे बैठ करके टी पॉइंट पे उनकी लेगेसी के ऊपर बात कर रहे थे, हम कैसे उनकी लेगेसी को आगे लेकर जाएंगे। अगर इस तरीके का एटीट्यूड रहेगा तो कैंपस में बिल्कुल स्पेस श्रिंक होगा। इस कैंपस में हमने कोशिश की कि हम जो भी फैसले करेंगे, चाहे हमको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेगोशिएट करना हो या फिर किसी भी पॉलिसी के लेवल पे हमको काम करना हो, तो हम अपने स्टूडेंट जो स्कॉलर्स हैं या जो सीनियर्स हैं उनके साथ बात करेंगे और उनके साथ डिस्कशन करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमने, मैं बहुत अफसोस के साथ आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि हमने उनको बुलाने की भी कोशिश की, उनको अपने ऑफिस भी मदद किया, इवन कि एक बार मुझे एक ग्रुप में जब ऐड किया जाता है तो वहाँ पे स्कॉलर्स मुझे ट्रोल करते हैं कि आप इस ग्रुप में क्यों आए और मुझे वहां से बाहर कर दिया जाता है। अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो जरूर ये स्पेस जो टॉपिक है वो जरूर श्रिंक होगा और जरूर हमें दबाया जाएगा। तो हमें सिर्फ
एक तरफ की चीजों को नहीं देखनी है, बल्कि हमें ये भी देखना है कि स्टूडेंट्स के अंदर डिफरेंसेस नहीं हो, लोग पैनल्स से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, लोग इलाके से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, लोग ये नहीं देख रहे हैं कि टॉपिक क्या है, उस टॉपिक से उनको मतलब नहीं है। आज मुशायरे का भी प्रोग्राम है, कल कल्चरल नाइट है, बड़ी तादाद में बच्चे होंगे, लेकिन आज जब हमारे फॉर्मल लीडर्स आए हुए हैं, जब ऑफ कैंपसिस के हमारे इसी मेंबर्स आए हुए हैं, तब यहाँ इतनी कम तादाद है। मैं दिनकर जी की दो पंक्तियां पढ़ूंगा कि समर श्रेष्ठ है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध, जो तटस्थ है समय लिखे, जो लोग तटस्थ है इन चीजों से वो भी अपराधी लिखे जाएंगे। कि जब ऐसे मुजबात के ऊपर गुफ्तगू होती है तो लोग दिखते नहीं है, लेकिन स्टूडेंट एक्टिविज्म की बात करेंगे, हमें स्टूडेंट अगर एक्टिविज्म की बात करते हैं तो हमें ऐसे मसाइल के ऊपर हम लोगों को आना होगा, तभी हम सबका सामना कर सकते हैं, तभी हम एडमिन के साथ भी अच्छे से डील कर सकते हैं और बाकी लोगों के साथ हम अच्छे से काम कर सकते हैं। मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगा तमाम डेलीगेट्स का, तमाम लोगों का जो इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए और उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया, और तमाम लोगों का जो लोग इस इवेंट में तशरीफ लाए और इस इवेंट को कामयाब बनाया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।